तो गाइस आप लोगों के सामने है इंद्रधनुष रेनबो। माय गॉड, बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है व्यू। पहाड़ का मौसम अभी भी हुड़ती बारिश तो निकल गई है, अब हल्की हल्की सी धूप, तो कभी भी मौसम चेंज हो जाता है यहाँ। गाइस आप लोगों के सामने है इंद्रधनुष रेनबो। माय गॉड, बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है व्यू। रुक गए थे भज्जी का भुट्टा खाने के लिए और काफ़ी फेमस है, और घर कोई जो लोकल का बंदा होगा वो जानता होगा भज्जी का भुट्टा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नक्कालों से सावधान। तो गाइस हर कोई जानता है जगह भज्जी को, काफ़ी सालों से भुट्टे बेच रहे हैं यहाँ पे। मीठा हो रहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गाइस नैनीताल रह गया है यहाँ से 6 किलोमीटर, और कसम से ना बहुत टाइम बाद धूप अच्छी लगी है। अभी तक का ऐसा चिड़ हो गया ना, बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो गए थे मेरी बाइक चलाते वक्त। और गाइस मैं कसम से पता नहीं, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैं बाइक से नैनीताल कब आया था, और बट धूप ना इतनी प्यारी लग रही है, मतलब कभी ना धूप गंदी लगती है। परसों हल्द्वानी में इतना गर्म मौसम था तो धूप इतनी गंदी लग रही थी, बट आज ना धूप इतनी प्यारी लग रही है मौसम में। थोड़ी देर बैठे हम सिर्फ धूप सेकने के लिए। और गाइस नैनीताल में कसम से बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, अभी हम पहुंचे भी नहीं 6 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। देखते हैं बजट बनता है तो शॉपिंग करते हैं वहाँ से कुछ, क्योंकि रात होने वाली है निकलते वक्त और ठंडा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए। सो गाइस रह गया है 3 किलोमीटर नैनीताल, बट ना बाइक नहीं चला जा रही है ठंड से। जहाँ भी धूप मिल रही हम तो वहीं बैठ जा रहे हैं। एनसी भाई जहाँ धूप मिलेगी वहीं रुक जाएंगे। सिर्फ आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा ये धूप वूप बादल, लेकिन आप सामने ना रियल में एकदम बाइक से आए तो हल्के बहुत भीग गए थे, तो जो हवा लग रही है पूरी सीधे चेस्ट में लग रही है सीधे, वो देखोगे मौसम और ऑसम व्यू। फाइनली पहुंच चुके हैं हम नैनीताल, कप कपाते हुए, ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा। और यह है रोडवेज नैनीताल, जस्ट एंट्री में ही आ जाएगा आपका रोडवेज। सामने है हमारी नैनी लेक, और मित्र पुलिस आपके स्वागत में हमेशा है मदद करने के लिए। गोदी बढ़ा के लाया, उसका किराया नहीं लगेगा।
सो गाइस टाइम आ गया शॉपिंग का, क्योंकि हो रहा था बहुत ज्यादा ठंडा और टी शर्ट और शर्ट पहन के तो हम हल्द्वानी वापिस जा नहीं पाएंगे। स्मार्ट लग रहा है इसी भाई बिल्कुल, इससे थोड़ा आराम मिल रहा है, जाने में मिलेगा क्योंकि आज हम बाइक से हैं आपको पता है। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, बारिश बिल्कुल नहीं है बट मौसम है चिल्ड और सब इंजॉय कर रहे हैं। और शॉपिंग भी कर ली मैंने आज, दो तीन टी शर्टें ले ली जबरदस्ती की क्योंकि ठंडा हो रहा था कुछ ज्यादा ही। यहाँ पर हार्ड एंड रॉक चाइना टाउन, गुरुद्वारा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये है सोनम फास्ट फूड, सॉरी सर, काफी टाइम पहले से है, ये सबसे पुरानी दुकान है और यहाँ के मोमो अल्टीमेट है, फेमस है। तो गाइस आरती का टाइम हो चुका है मंदिर में स्टार्ट, आप लोगों को अगर घंटियां सुनाई दे रही हो, ये है नैना देवी मंदिर की। तो टी शर्ट लिए मैंने एक, ये ब्लैक कलर की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो उसका कपड़ा है मुझे बहुत पसंद आया, और एक और है वो भी ब्लैक है। और भाई की दुकान है, भाई का नाम क्या है? अम्मू अमित है भाई का नाम। आते हो आप नैनीताल ऊपर वाली रोड में भाई की दुकान है और जेन्युइन रेट है भाई के, वीजे चौहान कह दोगे तो भाई अपने तरफ से डिस्काउंट भी कर देगा, कर देना मेरे भाई को आएगा तो ओके। और इसी भाई अभी भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अभी वो कंफ्यूज है कि क्या लें। टाइम आ गया घर जाने का और ठंडा हो रहा है मौसम, वो तो मैंने दो दो टी शर्ट पहन रखी है गाइस, देखो दोनों ब्लैक लिए, ये आज ही शॉपिंग करी है, दोनों ब्लैक हैं क्योंकि बाइक से जाना है गाइस, आज कार नहीं है, आज हमने जाना है बुलेट से। और हम इस समय नैनीताल की मेन मार्केट भोटिया मार्केट में जाते जाते आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ मैं। और प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार देना, कमेंट करना, आई लव यू। और जब तक आप इन्जॉय करो व्यूज़।